आज की वीडियो में मेजरली तीन टॉपिक्स हैं और साथ में एक ऐसा बोनस टिप है जिसके बाद लड़के आपको घूम घूम के देखेंगी देखेंगे जितने आपके एग्जिस्टिंग कपड़े हैं उनमें आप कैसे और ज्यादा बेहतर लग सकते हो बी की लाइन सेट करनी हो वो स्टैश पॉइंट करनी हो या फिर अपनी ब्रो सेट करनी हो कॉम्प्लेक्शन हाइट बर्थ मार्क्स एक्सेट्रा दैट इज गोइंग टू मेक यू इन रेजिस्टेबल स्पेशली विद वन से नौ लड़के आज भी अपने स्टाइल को लेके कैजुअल हैं, बट टाइम्स हैव चेंज आपकी पर्सनैलिटी आपकी इमेज आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो मैटर्स अ लॉट बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट पर आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं पर्सनल लाइफ में लड़कियों की अटेंशन चाहिए एक नई सोशल गैदरिंग में जाते हो तो वहाँ स्टैंड आउट करना है प्रोफेशनली अगर आपको इंटरव्यूज़ में स्टैंड आउट करना है और अपने बॉस की अटेंशन चाहिए ज़्यादा क्विक प्रमोशन चाहिए एक्सेट्रा अपना स्टाइल अपग्रेड कर लो एंड यू विल सी द डिफरेंस और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अब इस वीडियो में ना मैं बेसिक्स नहीं बताने वाला कि अपना पोस्चर सीधा कर लो वॉक सीधा करा करो आंखों में देखोगे ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगी हैंडशेक स्ट्रॉग होनी चाहिए बिकॉज तो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ और अगर आपने वो नहीं देखी है देन यू रियली नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू इम्प्रूव योर ओवरऑल पर्सनैलिटी एंड स्टाइल पर आज के वीडियो में हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे तो बिना ज़्यादा पैसे खर्च करें कैसे अपने स्टाइल को अपग्रेड करना है हाउ टू लुक हैंडसम एंड बी ए रेजिस्टेबल इज वॉर्ड आई एम गो टीच यू इन दिस वीडियो आज की वीडियो में मेजरली तीन टॉपिक्स हैं और साथ में एक ऐसा बोनस टिप है जिसके बाद लड़के आपको घूम घूम के देखेंगे वैन फर्स्ट टॉपिक इज माइंडसेट। अगर आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो तो ऑब्वियसली आपकी इनसिक्योरिटीज आप पे ज्यादा हावी हो जाएंगी आपकी एनर्जीज और कॉन्फिडेंस कम रहेगा सो वी कैन फिक्स दैट सेकंड इज ग्रूमिंग ऐसी छोटी छोटी डे टू डे चीजें जो आप अवॉइड कर रहे हो जो बहुत ज्यादा बेसिक है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट तो हम उनको आज एड्रेस करेंगे एंड हाउ टू एक्चुअली लेवल अप योर स्टाइल गेम इंस्टेंटली थर्ड क्लोदिंग फैशन की बात नहीं कर रहा स्टाइल की बात नहीं रहा. कर रहा बेसिक क्लोथिंग और खासकर जितने आपके एग्जिस्टिंग कपड़े हैं उनमें आप कैसे और ज्यादा बेहतर लग सकते हो दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्लोदिंग नाउ आई गेट इट आई अंडरस्टैंड हर किसी को ना फैशन या फिर स्टाइल का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता पीपल वॉन्ट इट ईजी एंड वी कैन कीप इट सिंपल बस दो ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपका स्टाइल गेम पाँच से सीधा एट ऑन टेन हो जाएगा फर्स्ट इज़ फिट जो भी आप नए कपड़े लो वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से होने चाहिए एंड शुड फिट यू वेल चाहे वो मास्टर भी हो अगर अच्छा नहीं लग रहा आपके शरीर पर तो आपको छोड़ देना है बॉडी टाइप कैसे फाइंड करनी है जस्ट टाइप ऑन गूगल हाउ टू फाइंड द बॉडी टाइप एंड यू विल फिगर इट आउट एंड आपको पता लगेगा कि कितने सारे डायमेंशंस होते हैं बॉडी टाइप के सेक्ंडली जितने भी पुराने कपड़े हैं बार चेक करो स्पेयर अ डे आउट आई नो उसमें टाइम लगेगा बट लिटरली जस्ट लुक एट योर एंटायर वॉर्ड्रोब और जिसमें भी जरूरत है ना फिटिंग करवाने की उसको फिट करवाओ एंड यू विल सी द डिफरेंस एंड द कॉन्फिडेंस इंक्रीज यू विल फील इफ़ यू वॉन्ट मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आप अपने कपड़े कैसे फिट करवा सकते हैं टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो नोर सेकेंड टिप इज द डे यू वॉन्ट टू लुक मोर स्टाइलिश ड्रॉप योर जीन्स इंस्टिड गो फॉर ट्राउजर्स कार्गोस चीनोज एक्सेट्रा वट एवर इज इन योर वॉकड्रोब मेक श्योर यू यूज दैट एंड ट्रस्ट मी यू कन सी अटाक डिफरेंस ये एक ऐसी ट्रिक है जो मैंने अपनी वीडियोज में बहुत बार यूज करिए वॉन्ट टू द सेकेंड टॉपिक विच इज क्रूमिंग बहुत सारे लोग ना अपने फेशियल हेयर को काफ़ी ज़्यादा कैज़ुअली ले लेते हैं एंड इन सम केसेस बॉडी हेयर टू नाक से बाल निकल रहे हैं यूनिब्रो बन रखी है बहुत डेंस वो भी अपनी दाढ़ी का पता नहीं है कहाँ कहाँ बाल जा रहे हैं नेक पे बहुत ज़्यादा हैवी बाल आ रखे हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट मेकिंग यू लुक शाबी दैट इज़ समथिंग यू डोंट वॉन्ट एट ऑल्सो यू रियली नीड टू गिव इम्पॉर्टेंस टू इट बिकॉज है ये छोटी छोटी चीजें बट इट मेक्स अज डिफरेंस ना मैं यूजली ना तीन ट्रिमर यूज करता हूँ एक होता है क्लिपर एक होता है बॉडी ट्रिमर और एक होता है प्रिशन ट्रिमर बट अब मुझे इन सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज फिलिप्स हैज सेंट मी दिस मल्टी ग्रूमिंग किट विच इज ऑल इन वन जो कवर करता है मेरी फेस हेयर विच इज दॉडी हेयर टू बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्ट्रिमर इज कि इसके साथ ग्यारह अटैचमेंट्स आती है स्टार्ट विद नो स्ट्रिमर बिकॉज वो एक ऐसी अटैचमेंट है जो मोस्टली ट्रिमर्स के साथ नहीं होता और बहुत सारे लड़कों को उसकी जरूरत होती है नेक्स्ट एंड माई फेवरेट इज द प्रसेशन ट्रिमर ये मुझे पर्सनली बेस्ट अटैचमेंट लगती है और फॉर सम रीजन ये थोड़ी अंडर एटेड है बी एड की लाइन सेट करनी हो वो ऑन पॉइंट करनी हो या फिर अपनी ब्रोज सेट करनी हो तो ये अटैचमेंट बेस्ट है नेक्स्ट है बियड कॉम्स इज सुपर इंपॉर्टेंट ताकि बियड ज्यादा छोटी ना हो जाए और प्रिसाइज भी रहे जितने भी अनवांटेड हेयर है ना जो बी से बाहर आ रहे होते हैं दिस विल टेक केयर ऑफ इट एंड सिंस यू हैव गॉट टू आप लेंथ आराम से डिसाइड कर सकते हो वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट इज द वन दैट यू हैव फॉर योर हेयर कई बार ना साइड से बहुत ज्यादा बाहर आ रहे होते हैं आपको पीछे कट करने की जरूरत पड़ती है कई लोग अपना फेड भी खुद से ही ट्रिम करके उनको और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेयर दीज कोम्स आर वेरी हेल्पफुल लास्टली द बॉडी ग्रूमर नॉट नेसेसरी कि आपको बिल्कुल ऐसे क्लीन स्लेट चाहिए तभी इसमें ना साथ में बॉडी ग्रूमिंग के लिए अलग कोम्स भी दे रखी है एंड बिकॉज इसमें पावर अडैप्ट सेंसर है तो ये आपके हेयर डेंसिटी मेजर कर लेता है एंड इट ट्रिम्स योर हेयर अकॉर्डिंगली मेकिंग इट ईजियर टू यूज़ ब्रो ऑल दिस इज मच नीडेड एटलीस्ट फॉर मी बिकॉज मुझे अब तीन ट्रिमर्स कैडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड द वन ट्वेंटी मिनट जो रन टाइम है इसका दैट एक्चुअली मेक्स दिस ट्रिमर अलॉट मोर अफिशियंट ना वेन यू डूज दिस वेन यू एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर फेशियल हेयर यू ग्रूम योर सेल्फ वेल आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो आपको फेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रखता है वर्सेज टू अनदर पर्सन जो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता होगा उसकी दाढ़ी इधर उधर से आ रही होगी उसके के बाल बाहर निकल रहे होंगे वो बहुत अगली लगता है एंड नॉट अल पीपल वुड अप्रिशिएटेड स्पेशली इफ यू आर इन प्रोफेशनल सेटअप यू रियली नीड टू लुक क्लीन एंड क्रिस्प ऑल द टाइप एंड ये बहुत छोटी चीज़ें लग रही होंगी बट इट इज गोइंग टू मेक अज डिफरेंस इस मल्टीपर्पज ग्रूमिंग किट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में ड्रॉप कर दूंगा इसने मेरी जिंदगी काफ़ी आसान बना दी है एंड आई थिंक यू शुड बाय वन फॉर योर सेल्फ टू ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर माइंडसेट आज पंद्रह मिनट के लिए रील्स और शॉर्ट्स कम देख लेना बट को एंड लुक योर सेल्फ इन द मिरर ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन करना एंड फिगर आउट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं फिजिकली जो आपको इनसिक्योर कर रही हैं शायद आपको ऐसा लगता हो कि आप ज़्यादा मोटे हैं पतले हैं लंबे हैं छोटे हैं आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन हो सकता है एक्ने डार्क स्पॉट्स वट एवर इट इज विच इज बॉदरिंग यू यू नीड टू फिगर इट आउट नो वंस यू एक्नोलेज दैट और एक्सेप्ट कर लिया हाँ यार ये एक ऐसी प्रॉब्लम ऐसा मुझे लगता है मेरे साथ है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है देन वी आर अगर फिगर आउट वॉट टू डू अबाउट इट नेक्स्ट एक चीज़ समझो कॉम्प्लेक्शन हाइट बर्थ मार्क्स एक्सेट्रा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं नेचुरली यू नीड टू एक्सेप्ट दिन द वे दे आर यू कैन नॉट रियली डू एनी थिंग अबाउट इट अगर आप उसको डिसलाइक करते रहोगे कॉन्टीन्यूसली तो मेंटली सिर्फ आप स्ट्रगल करोगे दैट इज़ इट नाउ वॉट यू नीड टू डू इज लुक इन द मिरर एंड से रिपीट दिस लाइन दिस इज़ हाउ योर कॉड दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वट एव यू बिलीव इन दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वॉन्टेड मी टू बी और कोशिश करो कोशिश करो उसे लाइक करने की नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट एक्सेप्टेड तो मेंटल स्ट्रगल ना कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट विल मेक अ स्टार्क डिफरेंस इन योर अट्रैक्टिवनेस एंड इन योर इररेजिस्टेबिलिटी नॉलेज डू द थिंग्स एट यू कैन लिटरली चेंज फर्स्ट इज योर फिजीक अगर आपको अपनी फिजीक में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी हो या आप ज़्यादा लाइट हो एंड यू नीड टू बैलेंस इट आउट देन वर्क टू वर्ड्स इट स्टार्ट अ वर्कआउट रिजीम डू एनी थिंग अबाउट इट एंड बी कंसिस्टेंट विद इट चाहे वो दिन के पंद्रह से बीस मिनट ही क्यों ना हो धीरे धीरे आप फिजिकली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए एंड इट विल एक्चुअली प्ले अ लॉट विद योर मेंटल गेम ऑल्सो स्किन अच्छी करनी है डाइट अच्छी करो स्किन केयर रूटीन फॉलो करना शुरू करो स्ट्रेस लेवल्स कम करो द मोमेंट यू स्टार्ट रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस लेवल ट्रस्ट मी यू विल फील वेरी सेंटर्ड एंड ऑटोमेटिकली योर इंटायर और योर एनर्जी योर वाइप विल चेंज ट्रास्टिकली और कभी भी आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज होते हो एंड यू डोंट हैव पीपल टू गो एंड टेल योर प्रॉब्लम्स टू दिन स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑन अ बुक स्टार्ट जर्नलिंग इट ट्रस्ट मी यू विल गेट ऑल योर आंसर्स देयर नाउ लास्ट एंड दैट एडिशनल बोनस टिप दैट इज गोइंग टू मेक यू इन रेजिस्टेबल स्पेशली विद वमेन स्टार्ट अप्लाइंग अ गुड क्वालिटी परफ्यूम जिसकी प्रोजेक्शन बहुत अच्छी हो यार एक तो होगी बहुत लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है जो आपके बिल्कुल आस पास लोग हैं उनको आ रही है एक होती है प्रोजेक्शन परफ्यूम की वो कितनी दूर जा रही है यू नीड टू फिगर इट आउट मार्केट में जाओ थोड़ा एक्सप्लोर करो चार पाँच परफ्यूम्स अपनी बॉडी पर स्प्रे करो आपकी बॉडी केमिस्ट्री के साथ जो जाती है अच्छी परफ्यूम आपको जो पर्सनली पसंद है मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन दैट अगर कोई परफ्यूम बहुत ज़्यादा महंगी है सात आठ दस हज़ार के रेंज में आती है पैसे कलेक्ट करो एंड मेक इट योर सिग्नेचर फ्रेगरेंस स्पेशली फॉर द डेज वेन ए गोइंग आउट ऑन डेट पार्टी और सम स्पेशल इवेंट एंड ट्रस्ट में जब आप अच्छी फ्रेगरेंस थ्रो आउट करते हो ना तो लोग जो आपके सामने होते हैं आपके आस पास होते हैं उनका मूड बदल जाता है उनकी जो वाइब है आपकी तरफ वो बदल जाती है मेकिंग यू लुक अट्रैक्टिव एंड अगेन ए रेजिस्टेबल आज के वीडियो में मैंने बहुत बेसिक टिप्स रखी हैं एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर इसमें से मोस्टली टिप्स आप फॉलो नहीं कर रहे होगे तो करना शुरू करो और आप चेंज खुद देख पाओगे आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लर्न समथिंग न्यू इफ यू आर न्यू हियर देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल आई इन द नेक्स्ट वन एंड टेक केयर स्टे स्टारे